हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस गुड़हल के बारे में बताऊंगा। ये मेरा पिंक गुड़हल का प्लांट है और ये पर्पल गुड़हल का प्लांट की मैंने आपको रिपोर्टिंग करना सिखा दी थी। वो वाली वीडियो ने देखी है तो आप देखिए, सिर्फ कलर में चेंजिंग है, वहाँ की वैरायटी भी एक ही है और शेप भी एक ही आता है इन दोनों का। तो वाली वीडियो ने देखी, आप पर्पल की वो देख लीजिए, इन दोनों की रिपोर्टिंग एक ही है। और अब इस पर इतने सारे फूल आ गए हैं कि 3-4 फूल तो मेरे झड़ चुके हैं रिपोर्टिंग करने के बाद, और 2 फूल ये आज खिले हैं, और अब नई बर्ड्स निकलने लगी हैं गुच्छों में। तो वो सब मैं आपको दिखलाऊंगा और बताऊंगा मैंने क्या क्या इसमें ऐसी चीज़ें करी जो कि इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ भी है, और कैसे केयर करें इसकी, और नेक्स्ट सीज़न में कैसे केयर करनी है इसकी। ये सारी जानकारी मैं आज दूँगा। और देखिए कितनी छोटी छोटी बर्ड्स और कितनी गुच्छों में आ रही हैं बर्ड्स, खूब सारी नई बर्ड्स निकलने लगी हैं मेरी। ये जो बर्ड्स खिली हैं ये नर्सरी वाली बर्ड्स थी जो नर्सरी से आई थी, लेकिन अब जो आई हैं ये मेरी बर्ड्स, ये न्यू बर्ड्स आई हैं बिल्कुल ही। ये अभी रिपोर्ट करने के बाद नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और मैंने इसके अंदर लिक्विड दिया था, अभी कल परसों ही दिया था इसे लिक्विड। कौन सा दिया था ये भी मैं आपको दिखलाऊँगा। तो इसकी केयर जान लेते हैं, इसकी केयर में क्या क्या करना है। तो चलिए इसे देख लेते हैं कैसे कैसे इसकी ट्रीटमेंट करनी है, कैसे कैसे इसकी देखभाल रखनी है। तो ये देखिए, इसके अंदर जो वीड्स उग जाती हैं, घास फूस जो उग जाती हैं, इन्हें सभी को हमें रिमूव करते रहना है, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स का न्यूट्रिएंट्स चुराती रहती हैं, इसीलिए हम इन्हें निकाल देंगे। वीड्स को हमें निकालते रहना है, और इन सारी वीड्स को निकाल देंगे हम। और इसके अंदर गुड़ाई एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है प्लांट को हेल्दी और अच्छा बनाने के लिए। ये इसकी वजह से प्लांट को ऑक्सीजन मिलता है, और प्लांट के रूट्स में भी एयर जाती है, और सनलाइट भी अच्छी तरीके से पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, और जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया फंगस पैदा हो रहा होता है वो सारा मर जाता है। तो इसलिए गुड़ाई आप ज़रूर करें, गुड़ाई आप 2-3 दिन में या हफ्ते भर में आप कर सकते हैं, या रोज़ रोज़ भी आप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड़ाई तो आप बस करते ही रहें बरसात में, तो वैसे भी क्योंकि इसके ऊपर काई सी जम जाती है उसे रिमूव करने के लिए। तो अब इसकी सनलाइट की बात करें, सनलाइट में इसे फुल्ली सनलाइट चाहिए। तो विंटर्स में तो इसे सनलाइट चाहिए ही, वैसे ही इसका डोरमेंसी पीरियड रहेगा विंटर में, तो इसे सनलाइट दे दें। और गर्मियों में जब गर्मी आएंगी तो इसे थोड़ा शेड एरिया दें, जो जून जुलाई की गर्मी होती है तेज़ वाली, उनमें से शेडेड एरिया दे दें, ज़्यादा शेडेड एरिया नहीं, 3-4 घंटे की धूप दें, और मॉर्निंग की धूप दे दें, इवनिंग की धूप दे दें, कोई सी भी धूप दे दें अच्छा चलेगा। लेकिन जब ज़्यादा धूप हो तो आप इसे 1-2 घंटे की धूप दें, ये 5-6 घंटे की भी दे सकते हैं चलेगा अच्छा, अगर आपके प्लास्टिक पॉट में है तो। अगर आपके सीमेंटेड पॉट में है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप एहतियात बरतें। और इसके अंदर जब वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग इसकी जब करें, इसके अंदर मॉइस्ट सोइल इसे पसंद होती है। और देखिए अभी मेरे हाथों पे सोइल चिपक गई है, मतलब अभी इसके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ही मैं इसे छूँगा और सोइल भी भुरभुरी रहेगी और मेरे हाथों पे चिपकेगी नहीं, जब ही मैं इसके अंदर वाटरिंग करता हूँ, क्योंकि जब इसके अंदर मॉइस्चर भी अच्छा बना रहता है और ड्राई भी सोइल हो जाती है, ना ही ज़्यादा ड्राई होती है ना ही ज़्यादा सोगी होती है, तो उस टाइम पे कर लें। और इसके अंदर जो खाद रिक्वायरमेंट रहती है, इसकी खाद रिक्वायरमेंट तो रहती है, क्योंकि फ्लावर वाला प्लांट है, इसे अपने फ्लावर खोलने के लिए तो खाद चाहिए। इसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट या काउडन कंपोस्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न में जब जनवरी फरवरी आएगा, फरवरी में मैं इसके अंदर इसका जो खाद देना है वो दूँगा, और बाकी तो हम 15 दिन में जो देते हैं वो लिक्विड देंगे। इसके अंदर लिक्विड, ये देखिए ये वाला लिक्विड है मेरे पास, इसके अंदर सभी चीज़ के छिक्कल पड़े हैं। इसके अंदर प्याज के छिक्कल हैं, अनियन के छिक्कल हैं, और केले के भी छिक्कल हैं, और आलू, जितने भी आपका किचन वेस्ट निकलता है उस सभी के छिक्कल इसके अंदर हैं, संतरे के, नींबू के, ये सभी हैं। और ये पावरफुल है, और इसके अंदर ये डाइल्यूट करके, जितना ये लेंगे उससे डबल लेके और डाइल्यूट करके आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे फ्लावर के जो कलर है वो भी अच्छा निकल कर आएगा, और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा आएगा। तो देखिए कितना बड़ा फ्लावर है, यही मैंने इसे अभी दिया था 3-4 दिन पहले, और अभी से इसने अपना असर दिखलाना शुरू कर दिया है। फ्लावर्स में तो असर दिख चुका है कि कलर भी एकदम डार्क आया है और अच्छा कलर आया है, साइज़ भी बड़ा आया है, और बर्ड्स जो है वो बन रही हैं, धीरे धीरे करके बन जाएंगी।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी